तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर पावर नहीं आ रहा है तो पावर हम कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि पावर सप्लाई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में वो वीडियो था। वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। वो वीडियो में मैंने पावर सप्लाई कैसे चेक करते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर पावर सप्लाई नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि पावर सप्लाई रिप्लेस करें तो कैसे हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि हमारा पुराना पावर सप्लाई निकाल के नया पावर सप्लाई कैसे लगाएंगे, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं पावर सप्लाई के जो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर लगाने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इसे देखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो शुरू करते हैं कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर एक और नया वीडियो। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ, लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कंप्यूटर हार्डवेयर जल्दी से सीखे। साथ ही मैं आपको बताऊं कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmupo.com, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके चेक कीजिए। वहाँ पे ढेर सारे ऑफर चल रहे, कोर्सेस है जो कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और 90-95% डिस्काउंट के ये कोर्सेस है, तो खुद जाके चेक कीजिए क्या क्या कोर्सेस में आपको सीखने मिलने वाला है। फिलहाल तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम सीखने वाले हैं पावर सप्लाई हम अपने कंप्यूटर में कैसे लगाते हैं। ये पावर सप्लाई है, एक डेमो पावर सप्लाई मैंने लिया है जो कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर से मैंने ये निकाला है। सपोज अभी आपने नया पावर सप्लाई लाया तो भी आपके पास इस तरह का ही पावर सप्लाई रहेगा। तो इसमें कौन कौन से कनेक्शन कैसे लगाते हैं, आइए ज़रा नज़दीक आइए, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब आप पावर सप्लाई लोगे तो इस तरह से पावर सप्लाई रहेगा। उसके बैक साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको चार यहाँ पे अलग अलग स्क्रू लगाने के लिए होल्स मिलेंगे। ये स्क्रू लगाकर आप SMPS को, ये पावर सप्लाई या SMPS जिसे हम बोलते हैं, ये फिट कर सकते हैं अपने कैबिनेट के अंदर। ये कैबिनेट है, ये CPU है हमारा, तो मैं इसे फिट करूँगा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले इसे आप फिक्स कर दो, बाद में इसके कनेक्शन लगा दो, क्योंकि ये कनेक्शंस के ढेर सारे केबल्स आपको मिलेंगे। डोंट वरी, ये कंफ्यूज होने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा केबल्स भी होते हैं। सभी केबल्स लगाना ज़रूरी नहीं होता, ऐसा नहीं कि सभी के सभी केबल्स आप लगा दो। यहाँ पे कौन कौन से केबल्स लगाने, कौन कौन से नहीं लगाने मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में सीखने वाले कौन सी कहाँ पे लगाए जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। और ये बहुत ही आसान है, मतलब आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई हार्डवेयर वाले की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद तो डेफिनेटली आपको आने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस SMPS को, ये जो चार स्क्रू लगाने की जो जगह है उसको मैं ऐसे CPU के अंदर फिट करूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से फिट होगा ये। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये स्टिकर की जो साइड है ये ऊपर की तरफ रहेगी दोस्तों। ये स्टिकर इस साइड रहेगा, इस साइड स्टिकर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो स्टिकर की साइड ऊपर रखेंगे और इस तरह का ये देखिए, अभी ये जो पीछे का जो कनेक्शन है ये AC पावर का, वो आप नीचे की तरफ ऐसा रखोगे। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से इंसर्ट करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जनरली ये सभी कैबिनेट के अंदर इस तरह के सपोर्ट्स नहीं रहते SMPS के, कुछ कैबिनेट में रहते हैं। तो मेरे केस में मेरे कैबिनेट पे ये सपोर्ट्स अवेलेबल है, जो कि इस सपोर्ट्स के ऊपर आप SMPS ऐसा रखोगे तो यहाँ पे रहेगा। लेकिन कुछ कैबिनेट में ये सपोर्ट्स भी नहीं रहते, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कैबिनेट है तो कैबिनेट के हिसाब से वो डिज़ाइन रहता है अलग। तो यहाँ पे इस तरह से SMPS रखने के बाद आप इसका बैक साइड देख सकते हैं, बैक पैनल में मैं आपको दिखाता हूँ। बैक पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चार स्क्रू आपको लगाने हैं, चार स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देना है। तो चलिए मैं इसे पहले फिक्स कर देता हूँ फटाफट, बाद में हम इसका वायर का कनेक्शन लगाएंगे। तो अब मैंने उसे फिक्स कर दिया चारों स्क्रू लगा के, अब आपको ये कनेक्शन कैसे लगाना है वो देखना है। तो मैं आपको कनेक्शन यहाँ पे एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये है 24 पिन पावर कनेक्टर, इसे ATX पिन पावर कनेक्टर भी बोलते हैं, 24 पिन्स आ रहे हैं इसमें। और ये 24 पिन पावर कैसे लगाते हैं मैं ये सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो होता है इसमें आपको एक नॉच दिखाई देगा इस तरफ, ये दिखाई दे रहा है आपको, नाउ यू कैन सी। ये नॉच जो होता है इसे आपको निकालते समय ही प्रेस करना रहता है, लेकिन लगाते समय आपको इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। बस एक याद रखना है कि ये जो नॉच है ये मदरबोर्ड पे भी देखना है, उस नॉच का लॉक किस तरह से है। अगर आप मदरबोर्ड पे यहाँ पे ध्यान से देखोगे, नीचे आपको मैं मदरबोर्ड पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मदरबोर्ड पे जो इसका स्लॉट है ATX पावर कनेक्शन लगाने का, वो स्लॉट में आपको एक लॉक दिखाई देगा। ये लॉक के अंदर ये नॉच फिट हो जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। इसे मैं इस तरह से लगाऊंगा, ये देखिए ये लॉक की तरफ। आप अगर इसे उल्टा लगाने जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा, आप ऐसा उल्टा इसे इंसर्ट करने जाओगे आप इसे ज़बरदस्ती भी नहीं होगी इसमें, मतलब इंसर्ट ही नहीं होगा। तो आप और ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, आपको देखना है कि भाई यहाँ पे एक लॉक दिखाई देगा छोटा सा, और यहाँ पे एक इसका नॉच और लॉक एक दूसरे के ऊपर आएंगे, और उसके बाद इसे ये लॉक मतलब फिट हो जाएगा। इसके बाद
इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। जब भी आपको इसको निकालना है रिप्लेस करने के लिए, सपोज आपका पुराना SMPS आपको डिटैच करना है, कनेक्शन निकाले, तो उस टाइम पे ये वाला जो लॉक है, सभी SMPS में ऐसे लॉक रहता है, उसे प्रेस करके आपको इसको खींचना है। ये देखिए, ये मैंने प्रेस किया था, ये प्रेस किया तो ये ऐसा ओपन हो जाता है, और फिर इसे आप ओपन होने के बाद ये खींच सकते हैं। और जब आप लगाना है तो उसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली बस आप इस ATX को यहाँ पे प्रेस कर दो, ये 24 पिंस आप एक साथ प्रेस कर दो, ये मदरबोर्ड में यहाँ पे लग जाएंगे। लेकिन ये उल्टा तो लग नहीं सकता, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि ये जो बनाया ना इस तरह से कि आप कोई भी पिन उल्टी नहीं लगा सकते, उल्टी यहाँ पे फिट ही नहीं होने वाली, क्योंकि उसके नॉच ही वैसे दिए गए कि आप एक ही तरफ से लगा पाओगे। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं कि कोई कनेक्शन आपने उल्टा लगा दिया तो भाई क्या होगा, उल्टा लगेगा ही नहीं तो फिर मतलब ही नहीं, टेंशन ही नहीं वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ। तो अब हमने ATX पावर तो लगा दिया, और अब नेक्स्ट कनेक्शन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये है मदरबोर्ड के ऊपर और एक कनेक्शन लगने वाला, जो कि है 12 वोल्ट पावर कनेक्टर। ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट पावर कनेक्टर, लुक एट दैट। 12 वोल्ट पावर कनेक्टर इसलिए क्योंकि ये येलो केबल 12 वोल्ट पावर देती है, इसलिए 12 वोल्ट पावर कनेक्टर इसे बोलते हैं। ये 4 पिंस का है, और ये 4 पिंस का यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ, आप नोटिस कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, ये वाला जो आपको स्लॉट दिख रहा है, ये है 12 वोल्ट पावर कनेक्टर का। 12 वोल्ट पावर कनेक्टर 4 पिंस ये यहाँ पे लगने वाली, ये 4 पिंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, नाउ यू कैन चेक इट आउट, ये 4 पिंस यहाँ पे लगने वाली है। हर एक चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली क्लियर होने के बाद ही मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। और इसमें भी वैसे ही लॉक रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ज़रा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, नाउ यू कैन चेक इट आउट, इसमें भी वैसे ही लॉक है, जो कि आप एक साइड से यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ऐसे निकालते समय ही इसे प्रेस करना है, लगाते समय प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लगाते समय आप बस वो लॉक पे ये जो है ना, ये लॉक पे ये नॉच रख के प्रेस कर देना, ये यहाँ पे लग गया। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉपरली लग चुका है। और जब ये निकालना है तो यहाँ पे इसे प्रेस करके आप इसे निकाल सकते हैं। जब आपका पुराना SMPS आप निकाल रहे हो तो यहाँ से इसे खींच के, मतलब इसे प्रेस करके फिर खींचे निकल जाएगा। डायरेक्टली खींचेंगे तो वायर ही निकल आएगी, वो लॉक नीचे रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है, डायरेक्टली खींचना नहीं है, पहले उसके जो नॉच है वो प्रेस करना है, जो लॉक दिए उसे प्रेस करना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको नेक्स्ट कनेक्शन जो लगाना है वो हार्ड डिस्क या फिर DVD राइटर का आप लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क और DVD राइटर में सेम पावर लगती है। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है साटा पावर केबल, साटा पावर कनेक्टर इसे हम बोल सकते हैं। ये हार्ड डिस्क में भी लगती है, और आजकल के से भी साटा ही कनेक्शन आ रहे हैं। पुराने केस में ये मोलेक्स हुआ करता था, मैं आपको दिखाता हूँ, पुराने केस में ये मोलेक्स, नाउ यू कैन चेक इट आउट, ये मोलेक्स पावर कनेक्टर रहता था। अगर आपका बहुत पुराना कंप्यूटर तो उसमें ये मोलेक्स पावर कनेक्टर यूज़ होता है, याद रखिए। और अभी जो है वो मोलेक्स नहीं है, अभी वो साटा पावर कनेक्टर है, यू कैन चेक इट आउट, ये वाला पिन है, तो इसे ध्यान रखना है। तो इसे भी आप ध्यान से देखोगे तो ये भी उल्टा नहीं लगने वाला, इसे भी हार्ड डिस्क के ऊपर नॉच रहता है प्रॉपरली। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसे हार्ड डिस्क में कैसे लगेगा, क्योंकि वो बहुत अंदर है और आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं उसे स्पेशली निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने हार्ड डिस्क साइड में निकाली ये दिखाने के लिए कि भाई ये कनेक्शन हार्ड डिस्क में कैसे लगेगा। ये साटा जो है, आप अगर देखोगे तो ये नीचे की तरफ इस तरह की पिन है साटा में देखोगे, और अगर आप ऊपर की तरफ ये देखोगे, ये उसका ऊपर का पैनल है, तो आप इसे इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट करोगे, देखिए ऊपर की तरफ ये रहेगा, और ये यहाँ पे हार्ड डिस्क में ध्यान दोगे, ये देखिए हार्ड डिस्क में ये स्लॉट उसका, ये साटा स्लॉट है जहाँ पे आपका साटा पावर केबल लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से लगा रहा हूँ, अब देखिए बहुत ही आसानी से लग रहा है, इसमें कोई लॉक नॉच नहीं, कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, खींचना भी ऐसा ही निकालने के लिए, और लगाना भी बहुत ईजी है। ओके, इस तरह से इसमें साटा पावर केबल लगती है, और इसमें जो होता है ये मदरबोर्ड के ऊपर से साटा केबल लगती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये साटा डेटा केबल बोलते हैं इसे, जो कि डेटा ट्रांसमिशन इसके ज़रिए होता है। तो ये डेटा ट्रांसमिशन और ये पावर आता है हार्ड डिस्क की जो मोटर है उसको घूमने के लिए, या फिर बाकी जो लॉजिक बोर्ड है उसको जो पावर लगता है वो सब इससे प्रोवाइड होता है, SMPS से आने वाला। और ये डेटा केबल है जो डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन डेटा केबल में आपको एक छोटा सा यहाँ पे लॉक या नॉच जिसे हम बोलेंगे, इसे प्रेस करना पड़ता है निकालते समय। ये देखिए, मैं इसे प्रेस करूँगा और बाहर खींचूँगा तो ये निकल जाएगा, फिर मैं इसे ऐसा लगा दूँगा। यहाँ पे देखिए, ये भी उल्टा नहीं लगता बिल्कुल, याद रखिए। और ये भी आपको, अगर ये उल्टा ट्राई करेंगे आप इसमें ऐसा, तो ये जाएगा ही नहीं। ये देखिए, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ बट इट इज़ नॉट गोइंग इंसर्टिंग देयर, लाइक ये मैं ऐसे इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, लुक एट देयर। तो ये इस तरह से हार्ड डिस्क में लगाया जाता है, और ऐसे ही आपको DVD में लगाना है, DVD और हार्ड डिस्क में ही लगाना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कैसे लगाना है। तो ये केबल होने के बाद आपको एक और केबल मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमारा एक कैबिनेट फ़ैन रहता है, यहाँ पे आप कैबिनेट फ़ैन देख सकते हैं, ये रहा, ये कैबिनेट का एक बैक पैनल में फ़ैन होता है, किसी केस में नहीं भी होता है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट अलग अलग डिज़ाइन रहते हैं, तो कुछ कैबिनेट में ये फ़ैन अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन जिनमें है उनके लिए आप ये वाला कनेक्शन, मोलेक्स वाला जो है कनेक्शन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। नाउ यू कैन चेक इट आउट, ये वाला केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट देयर। तो ये कैबिनेट फ़ैन का जो कनेक्शन है वो कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोलेक्स जो कनेक्टर मैंने आपको बताया था वो इसमें आपको इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये कैबिनेट फ़ैन आपको अगर लगाना है तो आप इस तरह से इसे पावर लगा सकते हैं। तो SMPS में कौन कौन सी पावर इंपॉर्टेंट है, जो कि एक याद रखना है कि 24 पिन पावर कनेक्टर जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने लगाई मदरबोर्ड के ऊपर, ये आपको कंपलसरी लगानी नहीं तो मदरबोर्ड में पावर ही नहीं आएगा। दूसरा उसके बाद 12 होल्ट पावर कनेक्टर जो CPU के फ़ैन को कनेक्शन देता है, तो ये वाला एक केबल लगाना है जो कि मैंने आपको बताया कैसे लगाना है, ये 4 पिन उसके बारे में हमने देखा। हार्ड डिस्क के लिए साटा और ऐसे DVD राइटर के लिए भी साटा ही आपको लगाना होता है। तो ये जनरली 3-4 केबल जो है इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी ये फ़ैन वगैरह रहेगा तो आप लगा सकते हैं, जैसे आपके कैबिनेट में, आपके केस में आपकी कैबिनेट में फ़ैन नहीं है तो आपको ये कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो SMPS लगाना बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कोई बड़ा लॉजिक नहीं है या बड़ी कोई बात नहीं, क्योंकि ये 2-4 केबल लगाएंगे तो SMPS हो गया, बस पावर लगाओ। और ये SMPS कैसे टेस्ट करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, लाइक शेयर और कमेंट करना। मेरे जितने भी चैनल हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे 5 और चैनल है जो कि आपको देखना पसंद आप करोगे। और साथ ही में मेरी 2 वेबसाइट है, learnmorepro.com और learnmoreindia.in, जिसके ऊपर आप बहुत सारे कोर्सेज और ब्लॉग फ्री में ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी मैंने लिंक दी, चेक कीजिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय।